नमस्ते सलाम, वेलकम टू माय शो एंटरटेनमेंट वर्ल्ड। मैं हूँ गार्गी चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। ये क्या, अब बेबो नहीं करेंगी रोमांटिक सीन? तभी तो केजीएफ स्टार यश की बहन का रोल प्ले करेंगी इस फिल्म में। तो कपिल क्या करेंगे भारती के बिना अपने कॉमेडी शो में? और शाहरुख के बड़े लाडले आर्यन की वेब सीरीज के सेट से ये क्या आया सामने? सब पता चलेगा, पर उसके लिए आप सभी आराम से बैठ जाइए और सुनिए मेरी पूरी एंटरटेनमेंट की चटपटी खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं एंटरटेनमेंट वर्ल्ड का सफर। रणबीर कपूर स्टारर और नितेश तिवारी की डायरेक्टेड रामायण लगातार चर्चा का विषय बनी हुई है। इस मेगा बजट फिल्म में कौन क्या किरदार निभाएगा, इसका ऐलान धीरे धीरे किया जा रहा है। मेकर्स इसमें काफी चुनिंदा एक्ट्रेस को कास्ट कर रहे हैं। पहले माता सीता से लेकर रावण और विभीषण जैसे किरदारों के लिए एक्ट्रेस के नाम सामने आए थे, और अब कौशल्या के बाद मंदोदरी कौन होगी इस बात से भी पर्दा हट गया है। हालांकि कंफर्मेशन नहीं हुई, पर खबरों की माने तो दंगल एक्ट्रेस साक्षी तंवर को नितेश तिवारी ने रामायण में मंदोदरी का रोल प्ले करने के लिए ऑफर किया है। हालांकि माना यह भी जा रहा है कि वो फाइनल हो गई है, क्योंकि रिपोर्ट्स की माने तो साक्षी तंवर शो के कलाकारों के साथ स्क्रिप्ट रीडिंग सेशन में भी हिस्सा ले रही हैं। वहीं एक्ट्रेस इंदिरा कृष्णा फिल्म में भगवान राम की मां कौशल्या का किरदार निभाने के लिए पूरी तरह तैयार है। रवि दुबे लक्ष्मण और भरत का रोल आदिनाथ कोठारे निभाएंगे। शाहरुख खान ने इंडस्ट्री में खूब नाम कमाया, अब बारी उनके बच्चों की। तो सुहाना ने तो बॉलीवुड डेब्यू कर लिया, अब आर्यन खान बतौर एक्टर इंडस्ट्री में नहीं आ रहे, बल्कि वो कैमरे के पीछे से अपना टैलेंट दिखाने वाले हैं। जी आपको बता दें, उनकी वेब सीरीज स्टारडम सेट से एक वीडियो सामने आया है। आर्यन खान की वेब सीरीज स्टारडम के सेट का एक वीडियो इस तरह से वायरल हुआ है कि लोग अब बेचैन हो गए हैं इस वेब सीरीज को देखने के लिए। हालांकि वीडियो में देखा जा रहा है कि सीरीज के सेट को छिपाए जाने की पूरी कोशिश की जा रही है, क्योंकि वो इसे पब्लिक नहीं करना चाहते हैं। इसीलिए सेट पर दो बड़ी छतरियां लगाई गई हैं। लेकिन फिर भी वीडियो में आर्यन खान को सेट पर घूमते हुए कैमरे में कैद कर लिया गया। वैसे इस फिल्म में एक ऐसे लड़के की कहानी है जो अपने सपनों को साकार करने और अपना करियर बनाने के लिए मुंबई आता है, उसे कामयाबी भी मिलती है। सीरीज की कहानी कुछ कुछ उनके पापा शाहरुख खान की जिंदगी से मिलती जुलती नजर आ रही है। आपको बता दें, स्टारडम 6 एपिसोड वाली सीरीज होगी। आर्यन खान ने ना सिर्फ इस सीरीज को डायरेक्ट किया है, बल्कि इसकी स्क्रिप्ट भी खुद उन्होंने ही लिखी है। साउथ सुपरस्टार यश अपनी फिल्म केजीएफ की सक्सेस के बाद हिंदी सिनेमा में भी काफी पॉपुलर हो गए हैं। वो पिछले काफी समय से अपनी फिल्म टॉक्सिक को लेकर खबरों में बने हुए हैं और लगातार मूवी को लेकर अपडेट सामने आ रहे हैं। लगातार फिल्म की लीड एक्ट्रेस को लेकर कभी करीना तो कभी क्यारा का नाम सामने आ रहा है, लेकिन मेकर्स ने कुछ दिन पहले ही इन सभी खबरों को अफवाह बताया था। पर अब ताजा रिपोर्ट की माने तो यश की फिल्म में करीना कपूर खान की एंट्री लगभग पक्की बताई जा रही है, और कहा जा रहा है कि एक्ट्रेस को मेकर्स ने एक खास रोल ऑफर किया है। बता दें, पिछले काफी टाइम से यश स्टारर टॉक्सिक की लीड एक्ट्रेस के तौर पर करीना कपूर का नाम सामने आ रहा था, पर मेकर्स ने इन सभी खबरों को खारिज कर दिया और बताया कि बेबो यश की बहन के रोल में नजर आने वाली है। रिपोर्ट्स की माने तो ये भाई बहन की कहानी है, और यश और करीना दोनों कभी ना अलग होने वाले भाई बहन के रोल में दिखने वाले हैं। हालांकि अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है इस खबर पर अगर ऐसा होता है तो क्या बात, क्या बात, क्या बात। संजय लीला भंसाली का अपकमिंग OTT प्रोजेक्ट हीरा मंडी द डायमंड बाजार लंबे समय से चर्चा में है। इसमें मनीषा, सोनाक्षी, आदिति, रिचा, संजीदा और शर्मेन जैसे सितारों को एक साथ देखने के लिए फैंस काफी एक्साइटेड हैं। पहले पोस्टर, फिर कास्ट और फिर इसके बाद गाना भी सामने आया। अब इसकी रिलीज डेट भी सामने आ चुकी है। दरअसल संजय लीला भंसाली की हीरा मंडी द डायमंड बाजार को देखने के लिए हर कोई एक्साइटेड है। मल्टी स्टारर सीरीज की कहानी और डायरेक्टर का आलीशान सेट का दीदार करने के लिए लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो अब रिलीज डेट भी सामने आ चुकी है, जो कि 1 मई 2024 है, और ये आप लोग नेटफ्लिक्स पर देख पाएंगे। द ग्रेट इंडियन कपिल शो अपने नए रूप के साथ OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर लौट आया है। शो की लगभग
पूरी कोर टीम साथ है, पर इस बार भारती इसका हिस्सा नहीं है। भारती कपिल शर्मा के शो में उनकी बुआ के रोल में नजर आ रही थी। इसके अलावा उन्होंने शो में कई और रोल्स भी प्ले किए थे, पर नए सीजन में भारती सिंह नहीं है उनके साथ। वहीं सुनील ग्रोवर ने नए सीजन से कई साल बाद शो में वापसी की है। मालूम हो कि द ग्रेट इंडियन कपिल शो में कपिल के अलावा कृष्णा अभिषेक, अर्चना पूरन सिंह, राजीव ठाकुर और कीकू शारदा साथ नजर आने वाले हैं। वेल, दैट्स इट फॉर नाउ इन एंटरटेनमेंट वर्ल्ड। बाकी खबरों के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए श्रेष्ठ भारत को।